दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI प्री के बारे में। ये जो एग्जाम है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आपका जो है हुआ है, और इसके बारे में एक हमने पोल कंडक्ट कराया, पोल सर्वे, जिसमें लगभग 4000 के नियर अबाउट लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बताया कि कितने कितने वो लोग अटेम्प्ट कर आए। तो एक हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है और जो लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो कितने कितने हैं और मेंस के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, मेंस के लिए क्या टेस्ट पेपर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक के मेंस के लिए 5 टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर फॉलो करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन था ये कॉमन एग्जाम था जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए, और जो प्री है फेज वन है ये आप सभी के लिए कॉमन था। और इसके बाद जो है अब सिलेक्शन होगा सेकेंड फेज के लिए। ओके, यहां पर जो लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्योंकि देखो ये पेपर आपको मैं बता दूं कि जो लोग लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे या फिर पिछले दिनों के पेपर से कंपेयर करेंगे कि क्या कट ऑफ पहले थी, तो वो चीज ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज था। ओके, इस बार आपने देखा कि बैंकिंग बेस पूरा पेपर आया, और लास्ट ईयर जो है लगभग 120 के नियर अबाउट होता था पहले, लेकिन इस बार इन्होंने 100 का कर दिया है। तो कट ऑफ भी इसी के हिसाब से तैयार होगी, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहां पर आए होंगे और मेंस में कितने परसेंट लोगों को ले जाएंगे उसके हिसाब से ये लोग जो है तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इस बार जो पैटर्न था वो पूरा बैंक ओरिएंटेड था। इवन मैं यही कहूंगा कि एक क्लर्क का जो एग्जाम होता है इससे 20% 10% हल्का ही पेपर था। ओके, और जो मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो रीजनिंग और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में किए हैं। इंग्लिश में पार्शियली रहता है कि आप क्या कर आ रहे हो, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि जो मैक्सिमम स्कोर लोगों को मिलेगा वो इस रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहां से लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि क्या लोग अटेम्प्ट कर आए थे। तो अभी जो हमने सर्वे कराया, लगभग 24 आवर्स होने वाले हैं सर्वे को, तो इसमें 4000 के आसपास लोगों ने वोट डाले। मैंने पूछा था FCI प्री में आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो जो 81 प्लस अटेम्प्ट हैं इसमें 47% लोगों ने कहा। ओके, तो आप खुद सोच लें कि 47% लोग जो है 80 प्लस अटेम्प्ट कर आए यहां पर। ओके, बाकी 76 to 85 ये है 15%। ओके, और 71 to 75 अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, 12, 15 और 47%, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7, 5, 12 और 2, 14, और ये आपका हो गया 4, 1, 5 और 1, 6 और 1, 7। लगभग 74% लोग जो है नियर अबाउट 71 प्लस अटेम्प्ट कर आए हैं। ठीक है, तो आपको ये तो आपके माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए कि इस बार का पेपर आसान था, लोगों ने काफी ढंग से बनाया, और जो मेजॉरिटी के क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी में जो मार्क्स हैं वो उनको क्वांट प्लस रीजनिंग में मिलेंगे। इंग्लिश में ऑब्वियसली कम होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कई लोगों को ये लगता है यार आता है तो आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। उसमें अगर आप गैस मारोगे तो यही नहीं पता रहता कौन सा ठीक करो कौन सा गलत करो। तो मेरे हिसाब से ये जो इंग्लिश वाले नंबर है यही आपके कट सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग में तो 100% मार्क्स लोग लाएंगे। ओके, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 90 किए, 92 किए, 91 किए, 85 किए, क्योंकि मैंने कमेंट्स ऑलरेडी लोगों के देख चुका हूं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कट ऑफ है ये 70 के नियर अबाउट में +5 और -2 नियर अबाउट हो सकती है। ठीक है, इस बार की कट ऑफ प्री की, तो आप लोग ये देख लो कि आपको मेंस की तैयारी तो फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शन कभी सही भी होते हैं कभी गलत भी होते हैं। एक मैं आपके साथ लोगों की ओपिनियन लेने के बाद एक जो है आंकड़े शेयर कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं कि यार 70 होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने यूजर इनपुट दिए हैं, और इसके बाद मुझे लग रहा है कि 70 में +5 हो या -2, 3 हो जाए, इसी के आसपास में रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड एक आइडिया हमें मिल सकता है। अब हमें मेंस के टेस्ट पेपर बिल्कुल देने चाहिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आप बैंकिंग ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्योंकि उम्मीद हम ये करते हैं कि जब मेंस का एग्जाम भी होगा तो उसमें भी काफी अच्छे अच्छे जो DI वगैरह है या फिर आपका जिस स्ट्रीम का पेपर होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस जरूर बनाएं। ओके, तो अभी अगर आप पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास 5 टेस्ट अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस मॉक दे रहा है और ये पेड टेस्ट सीरीज है। आप इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपको बाय करना पड़ेगा। ओके, बाकी इसके इक्विवेलेंट मटेरियल आप गूगल पर बहुत सारा सर्च कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी मदद आपके लिए होगी वो हम इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
लेकिन अभी का यही मैं कहूंगा कि आप टेंशन मत ले, मेंस की तैयारी जरूर करें, रिजल्ट का वेट करें। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटीमेट कर लेंगे, और जो वेबसाइट है वो है practicemock.com, इस पर आप विजिट करके देख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगर ऐसा ही कोई और नोटिफिकेशन होगा हम आपके साथ लेकर आएंगे। आप लोग की अगर कोई भी कंसर्न हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ये आप लोगों के यूजर इनपुट से जिसका हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है, ओके। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। इस वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।